अनूठा संगम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जापान ने बौद्ध संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए संकिसा नगर में, जो कि बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, एक ऐसा स्थान माना गया है जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष अस्थियाँ यहाँ पे समाहित है, ऐसा स्तूप जहाँ पे महात्मा बुद्ध स्वर्ग अवतरण हुआ था, ऐसा स्थान है संकिसा नगर। और वहाँ पे जापान नगरी के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर, इसकी संकिसा नगर में भव्यता और उदारता देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। मैं इस समय जहाँ बैठा हूँ वो कोई आम सोफा नहीं है, आपको एक देखने में आम सोफा लग रहा होगा लेकिन ये कोई आम सोफा नहीं है। एक साल पहले इसी सोफे पे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े गुरु दलाई लामा जी बैठते थे। यहाँ पे द रॉयल रेजिडेंसी जो कि बनाया गया है जापान द्वारा, और यहाँ पे लोगों के रुकने का बहुत अच्छा प्रबंध है। अगर आप यहाँ पे कभी टूरिज्म के तौर पे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है। आप यहाँ आकर देख सकते हैं, आप ऐसा रहेंगे और देखेंगे यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है। आएंगे आप मेरे साथ यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट जो कि जापान द्वारा निर्मित है, यहाँ पे पिछले वर्ष गत वर्ष दलाई लामा जी आए थे, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था, और यहाँ पे जो खाने का सिस्टम है वो देश के हिसाब से है। चाइना के लोग आएंगे तो चाइना के हिसाब से यहाँ पे खाना मिलेगा, जापान के लोग आएंगे तो जापान के हिसाब से खाना मिलेगा, यहाँ के बौद्ध धर्म के अनुसार, क्योंकि संकिसा नगर जो है वो बौद्ध धर्म नगरी कहलाती है। संकिसा नगर है वो बौद्ध बौद्धिस्टों के लिए जाना जाता है, बौद्धिस्ट अनुयायियों में प्रमुखता जापान, चीन, थाईलैंड यही देश है, और यहाँ के जब भी आगंतुक यहाँ पे आते हैं तो उन देशों के हिसाब से खाना बनता है, उनकी संस्कृति के हिसाब से यह खाना उपलब्ध है। और ये यहाँ की बहुत ही अनुपम चीज़ है, बहुत ही स्पेशल चीज़, स्पेशलिटी है यहाँ की, कि आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हर देश का मिजाज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी और देश के भी हैं और आपको जापान खाना खाना तो यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा। इस समय मैं जिस बेड पे बैठा हूँ ये द रॉयल रेजिडेंसी का एक बहुत ही विशिष्ट कमरा है। कहते हैं यहाँ पे रुकने की सभी व्यवस्थाएं मैं आपको बता चुका हूँ, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी, और सबसे अच्छा विंडो व्यू। आप विंडो व्यू के थ्रू यहाँ से सीधे बौद्ध मंदिर के दर्शन होंगे आपको, इतने सुंदर गार्डन है सब कुछ। संकिसा नगर में उपस्थित ये मंदिर और उस मंदिर में उपस्थित ये होटल, आपके रुकने की बहुत ही पर्याप्त व्यवस्थाएं, बहुत ही